मैं कोई नेता नहीं हूँ। नवीन जय हिंद कटघरे में खड़ा करते हैं मुख्यमंत्री को, जुबान बहुत लंबी है। जुबान तो सब गए, जिगर से उठाई जाती है आवाज। खुद का ही नवीन जय हिंद का झंडा बुलंद कर दिया है, खुद का ही मंच आपने पकड़ लिया है, लगातार आवाज उठा रहे हैं। कोई इतना इशू जरूरत नहीं है ना, मैं आज तक थोड़े हूँ इस जीवन में। काम अच्छे करते हैं फिर हाथ उठाने की नौबत क्यों? सरेआम जब बदतमीजी होती है तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोबारा से भी अगर कहीं धांधली होती है, नवीन जय हिंद पहुंचते हैं तो फिर से थप्पड़ कांड होगा। थप्पड़ में कहना तो लग रहा है मेरा मार ले सो के प्रॉब्लम है, पर भर्ती में गड़बड़ ना होने दूं। लेकिन नवीन जय हिंद जब जनता की आवाज उठाने जाते हैं तो कान पर जूं तो सरकार के उनसे भी नहीं रेंग रही है। सरकार ने हम तो अड्डी गिर के गोड्डा नहीं चले हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारों का ब्याह कराने के बाद फिर उसी के मुद्दे को उठाने वाले हैं। सुबह मरडे रात को मरडे, ब्राह्मण समाज की लगातार आवाज उठा। लेकिन ब्राह्मण समाज नवीन जय हिंद के पीछे खड़ा क्यों नहीं दिखाई दे? मैंने नहीं देखना कौन साथ है कौन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत आज के कार्यक्रम। इसमें हम नेताओं को दिखाते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अलग किया है, समाज में अलग जगाने की कोशिश की है, और वैसी एक शख्सियत है नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद ने हाल ही में क्या किया वो किसी से छुपा नहीं है, उन्हीं से बात करते हैं। चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में आज वो हैं, क्यों पहुंचे थे वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। नेताजी सबसे पहले तो स्वागत है भारत आज पर। मैं कोई नेता नहीं हूँ, स्वागत है, धन्यवाद आपका। पहले आपके विरोधी कहते थे कि नवीन जय हिंद कटघरे में खड़ा करते हैं मुख्यमंत्री को, जुबान बहुत लंबी है, अब कहते हैं कि हाथ भी बहुत चलने लगे हैं नवीन जय हिंद के। ना ना, जुबान से आवाज थोड़ी उठाया जा रहा है, जिगर से आवाज उठाई जा रहा है। जुबान तो सब गए, जिगर से उठाई जाती है आवाज, जीभ से नहीं उठाई जाती मेरे भाई, ठीक है ना। और हाँ बस, नवीन जय हिंद, नवीन जय हिंद के बारे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की, उसके बाद वो लगातार हरियाणा में मुखर हैं। नेताजी पार्टी अब आम आदमी नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी जनता के मुद्दे आप एकल मंच से उठा रहे हैं, आपने एक मंच खुद का ही नवीन जय हिंद का झंडा बुलंद कर दिया है, खुद का ही मंच आपने पकड़ लिया है, लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो है ना मेरे मारी अपनी जय हिंद सेना रही के प्रॉब्लम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, हम तो उन लोगों ने माननी है, भगत सिंह ने माननी है, चंद्रशेखर आजाद ने माननी है जी, तो अपना कर रहे हैं, कोई इतना इशू जरूरत नहीं है ना। मैं आज तक थोड़े हूँ इस जीवन में, मैंने 20 साल हो गए करीब, 20 से भी ज्यादा ही हो गया होंगे। काम अच्छे करते हैं फिर हाथ उठाने की नौबत क्यों? वो नौबत इसलिए आ जाने जब 70 साल का कोई बुजुर्ग है उसके साथ बदतमीजी होती है वहाँ पे करीब, सरेआम जब बदतमीजी होती है तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने तो 1000 प्रोटेस्ट करे हैं, ऐसा हो गया पहली बार तो वो, लेकिन वहां पे जो जिस तरह से इशू वो नहीं था, मैं थप्पड़ की बात ये नहीं है, थप्पड़ तो 100 मार लो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जो वहाँ पे भर्तियों में घोटाला हो रहा था उसको कौन रोकेगा जी। अब दोबारा से भी अगर कहीं धांधली होती है, नवीन जय हिंद पहुंचते हैं तो फिर से थप्पड़ कांड होगा? ना ना, थप्पड़ कांड तो देखो एक्सीडेंट होना एक अलग चीज है जी। थप्पड़ में कहना तो लग रहा है मेरा मार ले सो के प्रॉब्लम है, पर भर्ती में गड़बड़ ना होने दूं, न्यू को हूं मैं। अब आप न्योता लेकर पहुंचे हैं, मिलने का समय नहीं दिया आपको? कल दिया ही नहीं, पकड़वा दिया पुलिस ने, मैं बताऊं तो विधानसभा में थे ना उस वक्त। अरे फिर क्या प्रॉब्लम है, न्योता कार्ड मतलब ब्याह का है, बारात का है तो लेकर जाऊं यार, बेरोजगारों की बारात है, न्योता तो देने जाऊं बताने जाऊं, अगर अपना अरेंजमेंट बढ़िया रणा कर लिए जी, बेरोजगारों की बारात आवेगी, बताओ इसमें क्यों गलत थी? नेताजी कहाँ से लाते हैं इस तरह के प्रोपगंडे, आप कहाँ से लाते हैं जो सरकार को घेरने का काम करते हैं, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं, जनता के बीच आपकी लगातार आपकी बनी रहती उपस्थिति कहाँ से लाते हैं? हम तो भाई ठाली हैं, तो अगर भोलेनाथ की मर्जी है, भोलेनाथ का आदेश है, भाई कुछ करो बस। इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, जनता की सेवा करी है, जनता के लिए संघर्ष किया है, तो थोड़ी बहुत हम भी कर ले हमें तो उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब विपक्ष को लिखते हैं गूंगा है, हाँ वो तो बोलता नहीं है, आवाज नहीं उठाता जनता की, लेकिन नवीन जय हिंद जब जनता की आवाज उठाने जाते हैं तो कान पर जूं तो सरकार के उनसे भी नहीं रेंग रही है। रेंग दिखो ना सरकार ने, हम तो अड्डी गिर के गोड्डा नहीं चले हैं, अच्छी बात करे, बुढ़ापा पेंशन है बनी ना, लोगों की बननी शुरू हुई, खेल कोटा उल्टा ले लिया था, खेल कोटा उल्टा दवाया तो फिर और क्यों करोगा, सारे काम करवाएंगे। अब प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी नवीन, अच्छा प्रॉपर्टी आईडी मतलब पहले कह तो ये पीपीपी आईडी प्रॉपर्टी आईडी पे मैं कह तो रहा हूँ इसमें गड़बड़ है जी, परेशान कर रखे हैं लोग यार, जाके ऑफिस में तो देखो कोई पीपीपी आईडी के नाम पर लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दुनिया दुखी है, जाके ऑफिस में तो देखो घोटाले हैं घोटाले। तो बेरोजगारों का ब्याह कराने के बाद फिर उसी के मुद्दे को उठाने वाले? ये तो महाराज भी मुद्दे हैं, ये कोई बात थोड़ी जी, है जी,
ये तो बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, हरियाणा देश में टॉप पे है और बेरोजगारों की बारात निकलेगी और नोता भाई थारा सारे दर्शना भी तो पत्रकार साथी हैं। लेकिन जनता तो जानना चाहती है कि जब ये आप पूरा ब्याह कराएंगे, ये पूरा प्रोग्राम आप करेंगे, फायदा क्या होगा इससे? फायदा नुकसान तो ये बताओ, हमारा काम है कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा कि कर्म करे जा फल की चिंता करो मत जी, हमारा हमारा काम है कर्म करना, कर्म करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल रहता है, हम कहीं भी बैठे कहीं भी जिक्र होता है तो पूछा जाता है कि नवीन जयहिंद किस पार्टी में जाने वाले हैं, क्या आम आदमी के दरवाजे खुलने वाले हैं? इतने प्रयास जो आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, क्या आम आदमी का दरवाजा दोबारा खुलेगा? अरे यार मेरा बता दे दिया, तड़के मर जाता हूँ शाम को, तड़के जी जाता हूँ शाम को मर जाता हूँ, सुबह मर डे रात को मर डे, इतनी लंबी मैं सोचता है कौन है जो कुछ करेगा भोलेनाथ करेगा, मैं करनिया कुछ हुए नहीं जी जी, बस समय करा दे नरके कर ले समय नहीं जानी चीज। ब्राह्मण समाज की लगातार आवाज उठाते हैं, उसके लिए फरसा भी आप उठाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज नवीन जयहिंद के पीछे खड़ा क्यों नहीं दिखाई देता? तो मैं क्या करूँ, कोई कूड़ खड़ा है कूड़ नहीं खड़ा है, मेरा जो काम है मैं अपना करूँ, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो सुनी होगी ना कहावत है, बस तो नेकी करो दरिया में डालो, अब मैंने अड़ देखे जा कौन साथ है कौन नहीं है। ये अगर भगत सिंह सोचता, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचते तो शायद वो काम नहीं करते। तो मैंने नहीं देखना कौन साथ है कौन नहीं है, मेरा काम है मेरी जो कैपेसिटी है मेरी जितनी भी औकात है मैं उसके हिसाब से आवाज़ उठाऊं ताकि उसमें जनता भी जाग जाए और सरकार भी जाग जाए। अब आखिरी में जाते जाते ये भी बता दीजिए कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर आपकी नज़र है, जो बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पीछे फरसा लेकर डंडा लेकर आप लगे रहते हैं? मैं कोई मुंगेरी लाल नहीं हूँ कि ये ऐसे ऐसे सपने लूँ, सड़क पर भी तो है ना एक मंत्री मुख्यमंत्री, सड़क पर भी सीएम हो है ना जी, सड़क का जो सीएम है वो है हम, सड़क पर जो कॉमन मैन है ना जो अपनी आवाज उठाता है तो उसको सड़क का सीएम कह दो, बताओ जब सीएम कहना तेरा जी होना है तो सड़क का सीएम कह लो, हम भी राजी हो लेंगे हाँ सड़क के सीएम है तो, आप... तो क्या जरूरत है सीएम की हमने जी। तो ये मुंगेरी लाल के सपने लेना मेरी आदत नहीं है, मेरे जीवन में मेरा एक कुछ भी कहो ऊपर वाले ने भेजे, मैं अगर संघर्ष के लिए रखे हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, और मन तो मजा आ रहा है, मन तो कोई सत्ता वत्ता की जरूरत ना, अगर सत्ता वत्ता की जरूरत हो तो फिर मैं ये काम थोड़ी करता, सत्ता कितने ले ले कोई प्रॉब्लम थोड़ी। लेकिन आखिरी में तो चाहेंगे सत्ता में ही जाना ना? अरे कौन चाहता है यार, यारे मैं लोगों के दिला पाऊं राज करना है पाने, ये कुर्सी कर्सियां राज करने की जरूरत ना पाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। देखिएगा खाकी भी खाकी में, खादी और खाकी में हम वो शख्सियत लेते हैं जो समाज के बीच रहकर समाज अलग जगाने का काम करते हैं या कुछ उन्होंने अलग किया है, ऐसी शख्सियत के धनी हैं नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद लगातार चर्चाओं में रहते हैं, वो अपनी बेबाक विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री को घेरते रहते हैं, राजनीति में भले ही उनका कोई मंच ना हो लेकिन वो समाज के लिए लगे हुए हैं। आप इससे कितना सहमत हैं हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल भारत आज हरियाणा आज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यशपाल कंचन।